नमस्कार, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं सीपी मिश्रा। मित्रों, लोअर पीसीएस के लिए हमने डेमो दिया था, आपको कैसा लगा आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। हमने सोचा कि अब आज से आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास स्टार्ट करने के लिए मैं शुरुआत किया हूं अक्षांश से कि अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें आज अक्षांश और देशांतर, कोशिश होगी कि अक्षांश और देशांतर दोनों टॉपिक आपको बता दिए जाएं। तो अक्षांश शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी अर्थ के बारे में, अर्थ क्या है, कैसे हमें आ रहे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हम भूमध्य रेखा को से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये क्या पृथ्वी क्या है, उनके दोनों गोलार्ध क्या हैं। आप पढ़े तो होंगे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन इन्हें उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्यों कहा जाता है इसे आप अभी तक नहीं समझे होंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हमने एक पृथ्वी का आउटलाइन मैप बना दिया, एक पृथ्वी का गोला बना दिया। आप जानते हैं कि पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। हमने एक गोला बना भी दिया है, आप देख रहे होंगे एक गोला बना दिया है, ठीक। अब देखिएगा इस गोले को, पृथ्वी गोलाकार है और एक गोला हमने बना दिया, इस गोले को हमने बीचों बीच एक रेखा से विभाजित कर दिया, यानी बीचों बीच इस गोले के बीचों बीच हमने एक रेखा खींच दी। अब यह रेखा खींच देने के बाद देखिए ये कौन सी रेखा है इसको समझिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी का एक नाम भू है, भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और यानी ये एक भू है और इस भू के बीचों बीच एक रेखा खींच दी। इस भू के, भू यानी पृथ्वी, और इस भू के बीचों बीच एक रेखा खींच दी, और बीच का मतलब होता है मध्य, तो कौन सी रेखा हो गई ये, भू मध्य रेखा। यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची जा रही है उसको कौन सी रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, यानी ये रेखा जो है वह भूमध्य रेखा है। अब आप समझ गए होंगे इसको भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है, ठीक। तो पहली रेखा आपको समझ में आ गई होगी, भूमध्य रेखा। अब देखिएगा आगे, इस रेखा के बाद, इस रेखा के बाद यह गोला दो भागों में विभाजित हो गया। एक गोला के, यह रेखा के एक गोला का आधा भाग रेखा के उत्तर में हो गया और दूसरा रेखा के दक्षिण में हो गया। जो भाग रेखा के यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में है उसे हम उत्तरी, और गोले का आधा भाग है, गोला और अर्ध कर देते हैं, यानी ये कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भी भाग है उसे हम कौन सा गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और जो रेखा के दक्षिण वाला भाग है यानी कि ये वाला भाग, इसे हम क्योंकि दक्षिण में स्थित है इसलिए इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको उत्तरी गोलार्ध क्यों कहते हैं और इसको दक्षिणी गोलार्ध क्यों कहते हैं। क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तर में है इसलिए इसे, और गोले का आधा है, आप देख लीजिएगा गोले का आधा है इसलिए उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। दूसरा, गोले के दक्षिण में स्थित, गोले का भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है गोले का यह दक्षिणी भाग, इसलिए इसे कौन सा गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहां से क्वेश्चन जो बनेंगे उसको हम आगे आपको चर्चा करेंगे। अब दो चीजें और बतानी है कि पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, एक उत्तर में स्थित है और एक दक्षिण में स्थित है। इससे पहले कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में थोड़ा डिटेल करें, आपको बता दें कि हमारी जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर थोड़ा झुकी हुई है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। जैसे यदि पृथ्वी झुकी न होती तो इसका जो उत्तरी गोलार्ध का जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव यहां होता, तब यहां 90 डिग्री का कोण बनता। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा झुकी हुई है, कितना झुकी है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, जिसके कारण उत्तरी
ध्रुव का जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी ध्रुव है, वो यहाँ ना होकर थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी ऐसे है पृथ्वी। हमारी पृथ्वी आप ऐसे बताएं, यूं ना होकर ऐसे है, यानी यह गोला हमारा ऐसे है, जिसके कारण उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है। अब यहां से यहां के बीच एक रेखा खींचते हैं, ये तो देखिएगा। अब यहां से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि मैं अभी लिख भी दिया हूं। इधर आप प्रश्न देखने की कोशिश देखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है। तो आप यहां देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है, तो झुकाव है वो ये है, ये झुकाव आपका है। तो इसका सीधा सा उत्तर है कितना, उत्तर है 23.5 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का जो उत्तर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है, तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री। लेकिन इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, वह यह है, और आप जल्दबाजी में उसको गलत कर देते हैं, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाती है, तब आपसे इस कोण के बारे में नहीं बल्कि इस कोण के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन सा कोण है, कितने अंश का होता है। यदि पूरा कोण होता तो 90 डिग्री का था, उसमें 23.5 डिग्री निकल गया तो कितना बचा, 66.5 डिग्री। यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिला क्या, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाती है, तब उत्तर आ गया आपका क्या, 66.5 डिग्री। ठीक, दो ध्रुव हो गए हमने जैसा चर्चा किया कि एक नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दूसरा साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। ठीक, हम अक्षांश शुरू करने से पहले इन दोनों की स्थिति को बता दिए, ताकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि बिना इसे बताए आप अक्षांश सही तरीके से समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक पृथ्वी की वास्तविक स्थिति, वास्तविक लोकेशन को आप नहीं समझेंगे, तब तक अक्षांश को नहीं समझ सकते। तो तीसरा जो क्वेश्चन पूछा यहाँ हम आपसे पूछेंगे वो है, भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। आपको तीसरा क्वेश्चन देखना होगा कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को आपको हमने बताया था कि जब हम आपको पढ़ाएंगे तो दो तरीके से बताएंगे। एक तो सैद्धांतिक रूप से हम यहाँ जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम यहाँ से पढ़ाते जाएंगे। दूसरा पार्ट हमने बताया था कि हम आपको प्रैक्टिकल वर्क भी बताएंगे, प्रैक्टिकल वर्क कराएंगे, आपको करना होगा। कैसे, आप एक एटलस ले लीजिएगा, आउटलाइन मैप ले लीजिएगा, ये दोनों चीज़ें हमने बताई थी डेमो में कि आपको एक एटलस रखना होगा और एक आउटलाइन मैप रखना होगा। अब आप एक आउटलाइन मैप ले लेंगे, जैसा कि मार्केट में मिलता है, वो एक बुक टाइप की मिलती है, उसी को ले लेंगे। अब उसमें से वर्ल्ड का जो आउटलाइन मैप है उसका फिजिकल आउटलाइन मैप ले लीजिएगा, और एटलस को देखकर कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजर रही होती है, ये आपको भरना होगा। यदि आप इसको भरना याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है कभी कभी, आप याद की भूल गए, लेकिन यदि आप इसको फिल कर लेंगे एटलस में, एटलस को देख करके अपने आउटलाइन मैप में, तब वह एक दो बार आप देखेंगे तो आपको एकदम याद आ जाएगा कि कौन भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका में किन किन देशों से गुजर रही है, अफ्रीका में किन किन देशों से गुजर रही है, और एशिया में किन किन देशों से गुजर रही है। इसीलिए यह क्वेश्चन हम उत्तर नहीं बताएंगे बल्कि यह आपको प्रैक्टिकल वर्क कराएंगे। चलिए आइए अब चलते हैं, हम अक्षांश को कोशिश करेंगे आपको अक्षांश बताने की। ठीक मित्रों, आपने देखा कि कैसे हमने भूमध्य रेखा को दो भागों में विभाजित करते हुए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बताया, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए हम शुरू करते हैं अक्षांश। ठीक, आपका अगला टॉपिक जो है मेन टॉपिक जो अक्षांश है, अक्षांश से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि अक्षांश की परिभाषा क्या है, अक्षांश की डिफिनीशन क्या है। तो चाहे तो आप भी नोट भी कर सकते हैं इसको। ठीक, जैसा कि लिखा हुआ है, भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा आप समझ गए होंगे, भूमध्य रेखा के समानांतर यानी पैरेलल पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं क्योंकि वास्तविक धरातल पर ये रेखाएं नहीं हैं,
काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। देखिए, दूसरा है दो अक्षांश रेखाओं के बीच धरातल पर, यदि हम उन्हीं अक्षांश रेखाओं को वास्तविक धरातल पर ले जाएं तब उनके बीच में दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। यह क्वेश्चन बराबर पूछा भी जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो क्या उत्तर होगा आपका, 111 यानी 111 किलोमीटर। आइए अब हम थोड़ा और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी को समझने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो ग्लोब की आवश्यकता है और दूसरी मानचित्र की। सही वर्णन तो ग्लोब ही करता है, क्योंकि ग्लोब आप देखे होंगे कि एकदम पृथ्वी जैसा ही बनाया जाता है, लेकिन चूंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं है, उसको आप हर जगह नहीं ले जा सकते, स्कूल में आप अपने बैग में नहीं ले जा सकते, इसलिए उसको और सरल तरीके से समझने के लिए मानचित्र की रचना की गई। अब यहाँ देखिएगा कि ग्लोब और मानचित्र से यदि हम अक्षांश को समझें तो दोनों में क्या अंतर होता है, यहाँ बहुत बारीकी से आपको समझना होगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। हमने एक ग्लोब बना दिया, ठीक। अब ग्लोब आप देखे होंगे कि एक गोलाकार होता है, ग्लोब गेंद जैसा होता है। अब आप इसको गेंद जैसा समझिएगा, यदि इस ग्लोब पर यानी इस गोलाकार वस्तु पर यदि हम रेखाएं खींचें तो दोनों तरफ से घूम करवाएंगे तो एक रेखा ना बनकर वो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। आप देखिएगा ध्यान से, यदि गोलाकार वस्तु है दो चारों तरफ उसकी यदि हम रेखा खींच दें तो हर रेखा ना होकर क्या हो जाएगी, वृत्त हो जाएगी। तो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा कि यदि अक्षांश वृत्त की चर्चा कर रहा है या पूछा जा रहा है, अक्षांश वृत्त से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब वह आपसे ग्लोब के बारे में जानकारी चाहता है। लेकिन यदि आपको मानचित्र, आप देखा होगा एटलस या मानचित्र को देखा होगा, दीवार पर मानचित्र को, तो उसमें रेखा खींची जाती है, वह अक्षांश रेखा कही जाती है। ध्यान है, वह अक्षांश रेखा कही जाती है, क्योंकि वह प्लेन पेपर पर होता है इसलिए वहाँ रेखा खींची जा सकती है, न कि वृत्त। यानी यदि आपसे अक्षांश रेखा की जानकारी पूछा जा रहा है या अक्षांश रेखा से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब आपसे मानचित्र की जानकारी पूछा जा रहा है। ठीक, दोनों में अंतर क्या है इसको समझिएगा, तब हम आगे अक्षांश की चर्चा करेंगे। आपको बता दें, जैसा कि डेफिनेशन में देखा था आपने, कि भूमध्य रेखा के समानांतर यानी पैरेलल उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं ये खींची जाती हैं, जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी संख्या 90 है और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी संख्या 90 है। यदि हम मानचित्र में इसको दिखाएं तो 90 रेखाएं खींची जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में और 90 रेखाएं खींची जाती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई, 90 और 90 कितनी हो गई, 180। यानी कि यदि हम मानचित्र में लें तो 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई, 180। अब देखिएगा, चूंकि भूमध्य रेखा भी अक्षांश रेखाओं का ही अनुसरण करता है, तो इसीलिए भूमध्य रेखा को एक अक्षांश रेखा का नाम दे दिया गया है, और वह अक्षांश रेखा होती है 0 अंश अक्षांश रेखा। यानी कि भूमध्य रेखा का एक और आपको नाम मिल गया, वो है क्या, 0 अंश अक्षांश रेखा। यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 अंश अक्षांश रेखा कहां कहां से गुजरती है, तो वही आपको भूमध्य रेखा जहां जहां से गुजर रही होती है वही बताना होगा, क्योंकि यह भूमध्य रेखा का एक नाम है, 0 अंश अक्षांश रेखा। यानी ये दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा का जो अक्षांशीय नाम है वह है 0 अंश अक्षांश रेखा। यदि हम इन रेखाओं में उसको भी शामिल कर लें, भूमध्य रेखा को भी शामिल कर लें, तो 180 और प्लस 1 कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 181। यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि मानचित्र पर या पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, यदि अक्षांश रेखा रेखा शब्द लिखा है तो इसका मतलब वह किससे जानकारी चाहता है आपसे, मानचित्र से। और मानचित्र पर आपने देखा कितनी अक्षांश रेखाएं बन रही हैं, 181 यानी 181 अक्षांश रेखाएं बन रही हैं, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 181 अक्षांश रेखाएं। ठीक, लेकिन यदि आपसे यह पूछा जाए कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश वृत्त हैं, तो आप जैसा आप देख रहे हैं कि ग्लोब को समझने के लिए ग्लोब में कौन सी अक्षांश रेखाएं नहीं बल्कि ग्लोब पर अक्षांश वृत्त खींचे जाते हैं, क्योंकि वृत्त वहां बनेगा जहां वस्तु गोलाकार होगी। आप देख रहे हैं
कि जब हम ग्लोब लेते हैं तो ग्लोब में चारों तरफ गोलाकार होता है वो, उस पर यदि हम रेखाएं खींच दें तो वही रेखा को यदि हटा लें, ग्लोब को हटा लें, तो पूरा एक क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। यानी यदि अक्षांश वृत्त से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अक्षांश वृत्त की चर्चा की गई है, इसका मतलब वो आपको उससे जानकारी किसकी चाहता है, ग्लोब से। अब इस ग्लोब पर भी 90 रेखाएं खींचते हैं, यानी 90 वृत्त बनते हैं इस तरीके से, 90 वृत्त बन जाएंगे। लेकिन जो उत्तरी ध्रुव पर जो वृत्त बनता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव का जो वृत्त बनता है, वो आगे चलकर वृत्त न होकर एक पॉइंट के रूप में हो जाता है, एक बिंदु के रूप में हो जाता है। जो वृत्त न होकर क्या हो जाता है, एक बिंदु हो जाता है, एक बिंदु बन जाता है। यानी जो 90 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है, वह ग्लोब पर एक रेखा न, एक वृत्त न बनकर क्या बनती है, एक बिंदु बन जाता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में आइएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी ध्रुव पर भी एक बिंदु बनता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध की जो एक दक्षिणी अक्षांश की रेखा है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा है, यह मानचित्र पर तो एक रेखा होती है, लेकिन वह ग्लोब पर वह एक वृत्त न बनकर क्या बनता है, एक बिंदु बनता है। और चूंकि बिंदु एक वृत्त नहीं होता, क्योंकि वृत्त के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है और त्रिज्या बिंदु में नहीं होता, तब ये दो वृत्त कम हो जाते हैं। यानी अक्षांश वृत्त जो है उनकी जो संख्या बनेगी, यदि आपसे पूछा जाए कितने अक्षांश वृत्त बनते हैं, तो 89 उत्तरी गोलार्ध में और 89 दक्षिणी गोलार्ध में, कुल कितने हो गए, 178 ये अक्षांश वृत्त बने। और भूमध्य रेखा वाले वृत्त को भी, इसको एक वृत्त मान लें, तब यह संख्या बढ़कर हो जाती है, प्लस वन कर लीजिएगा, यानी 179। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश वृत्त बनते हैं, तब आपका उत्तर होगा 179। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तब आपका उत्तर होगा क्या, 181। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई आपको। यहां से एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है, अक्षांश वृत्त से एक क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनता है। आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी इस आकार में है, यानी कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं, उभार बढ़ता जाता है, फिर ध्रुवों पर जाते हैं तब उभार कम होता जाता है। यानी सबसे ज्यादा उभार जो है वो कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है, इसलिए इस पर जो वृत्त बनेगा वह सबसे बृहद वृत्त होगा। तो दूसरा क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनेगा, तब क्वेश्चन का उत्तर होगा भूमध्य रेखा। लेकिन जैसे ही भूमध्य रेखा से हम उत्तर की ओर जाएंगे, अक्षांश वृत्तों की संख्या क्या होती जाएगी, अक्षांश वृत्त जो है वो छोटे होते जाएगा, आकार उनका क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में या 90 अक्षांश वृत्त उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी 89 अक्षांश वृत्त उत्तरी गोलार्ध में और 89 दक्षिणी गोलार्ध में बने। इधर 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में बनी। इस चीज़ को क्लियर करने के बाद हम आपको बताना चाहेंगे अक्षांश से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपने देखा कि अक्षांश वृत्त और अक्षांश रेखाओं में क्या अंतर है। अब अक्षांश से जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा ये जाता है कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं। तो देखिएगा मित्रों, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी गोलार्ध की रेखा है, उसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी गोलार्ध की जो 23.5 डिग्री वाली रेखा है, उसे हम 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री वाली रेखा है, उसको हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। जो दक्षिणी गोलार्ध की 23.5 डिग्री साउथ वाली रेखा है, उसको हम मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो सीधा सा यह पूछा जाएगा कि 23.5 डिग्री रेखा को कौन सी रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कौन सी रेखा कही जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। दूसरा, 23.5 डिग्री साउथ को कौन सी रेखा कहा जाता है, मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन आपको थोड़ा और डीप में भी क्वेश्चन को तैयार करना होगा, और वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ से याद नहीं करवाएंगे, बल्कि हम मैप करवाएंगे। अब आप एटलस में आप देख करके और आउटलाइन मैप में देख करके दोनों चीज़ें आप लिख लीजिएगा,
और क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, आपको भरना होगा। कैसे भरना होगा? क्वेश्चन है कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, तो वर्ल्ड मैप आप ले लीजिएगा, उसमें से एटलस को देखकर, कर्क रेखा को देखकर एटलस में वह किन किन देशों से गुजर रही होगी उसका नाम आपको नोट करना होगा। एक दो बार उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए ये सिर दर्द समाप्त हो जाएगा कि कर्क रेखा किन किन देशों की, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये बराबर पूछा जाता है कि निम्नलिखित देशों में किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक, तो ये बराबर क्वेश्चन पूछता है, तो हमेशा ये आपका क्वेश्चन का क्वेश्चन की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसी तरीके से मकर रेखा से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित किस देशों में मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो अब आपको मकर रेखा के लिए भी एक आउटलाइन मैप तैयार करना होगा, एटलस देख करके मकर रेखा किन किन देशों से गुजर रही है उसको आपको भरना होगा, और एक दो बार फिल कर लेंगे और देशों की स्थिति को हम आगे चलकर हम पूरे देशों की स्थिति को भी लोकेशन उनकी सही कराएंगे, तो यह भरने के बाद आपको याद करने की कभी ज़रूरत नहीं होगी और यह क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे आप इसका उत्तर सही तरीके से कर लेंगे। थैंक यू।